आज के मॉडर्न टाइम में वायरलेस टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले एक सिग्नल को बिना वायर की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह किसने भेजा था? चलो मैं आपको बताता हूँ। वह थे हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने सन 1895 में एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था जिसमें इन्होंने सक्सेसफुली एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर बिना वायर की सहायता से भेज दिया था। हालांकि वह चाहते तो इस नॉलेज को अपने नाम पर पेटेंट कराकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि साइंस सबके लिए है। इसलिए उन्होंने लेक्चर्स के माध्यम से इस नॉलेज को फ्री में शेयर किया और इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके डॉक्टर मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्राउन ने वायरलेस टेलीग्राफी को डेवलप किया, जिसके लिए दोनों को सन 1909 में नोबेल प्राइज मिला।